हेलो बेबी डार्लिंग। नहीं नंदू, बस जैसे प्यार का ड्रामा नहीं करना क्या? सब खत्म हो गया, चल बैठ अंदर। तो क्या आप लव अफेयर टूटने का नाटक करना है? अब कोई नाटक नहीं करना है ना, तो मैं अरमान सर के साथ ये सारा खेल खत्म करने वाली हूँ। इसमें हार सिर्फ मेरी है। किसी ऑफिस में कुछ हुआ क्या? आज किसी ने मुझे और अरमान सर को एक साथ देख लिया और तब मुझे एहसास हुआ कि इस खेल में सिर्फ अरमान सर ही नहीं बल्कि मैं भी बर्बाद हो रही हूँ। अरमान सर को तड़पाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। उनको सिर्फ बैलेंस शीट्स की फिक्र है नंदू। आज ऑफिस में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे गले भी लगाने की कोशिश की। जैसे तू क्या बात कर रही है, मैं अभी उसको पीट के आता हूँ। नंदू मेरी बात सुन तू। इस खेल में ना सिर्फ मेरी हार है नंदू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो जसी नहीं रही, मैं एक शक्की एक धोखेबाज इंसान बनती जा रही हूँ। ये कार, ये सारे महंगे रेस्टोरेंट, ये शान दिखाना, ये हम नहीं है नंदू। तुझे ऐसे दौरे क्यों पड़ते रहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अरमान सर जैसे बन रहे हैं। अपना असली चेहरा छुपा के हम ढोंग करते हैं पूरी दुनिया के सामने। तू भी तो परी के सामने यही दिखाने की कोशिश करता है कि तू सबसे अमीर है। जैसे तू ये सब परी से मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही है ना? नहीं नंदू, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू अपना सपना कुछ और दिन जी ले। बहुत मीटिंग के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे तू क्या कह रही है, मुझे तो डर लगा। तू क्या करने वाली है? कुछ नहीं, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। रूबी मॉम के घर चलूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चल। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? जैसे मैं पूछता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों क्यों मेरी जिंदगी नरक बना रही हो तुम? क्यों जैसे तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करने का, कोई हक नहीं। तुम सुन रही हो ना, तुम सुन रही हो ना जसमीत वालिया? जैसे तुम उसे चाहती क्या? तुम उसे चाहती क्या? जैसी कितना वक्त हो गया तुम्हें मुझसे ठीक तरीके से बात करी हुई, और अब तो जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक कुर्सी से बात कर रहा हूं। Come on, अरमान सॉरी, अब तुम्हारी यहां पे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जैसी मैं
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था जैसी, क्योंकि सिर्फ एक तुम ही तो जिसे मैं अपना कह सकता, सिर्फ तुम जैसी। थैंक्स जैसी, थैंक यू वेरी मच। नंदिनी जी, आप इस वक्त यहाँ पे? बस मैडी की हेल्प कर रही थी थोड़ी सी। मैडी और रूबी मॉम से कहिए कि अपनी मदद करना खुद सीखें। तुम्हें पता नहीं? क्या पता नहीं? अचानक रूबी की तबीयत खराब हो गई थी ऑफिस में। क्या? हाँ, अब तो उसे घर लेके गए हैं, अब ठीक है वो। पर तुम ठीक नहीं लग रहे हो अरमान। क्या अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहे थे? लगता है कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अरमान, मैं हेल्प करूं? मेरी मदद कोई नहीं कर सकता नंदिनी जी, कोई नहीं। बस यहीं पर रोते। अब समझ में आया मैं क्यों कह रही थी तुझे परी से रिश्ता खत्म करना होगा बोर्ड मीटिंग के पहले? जैसे मैं तो समझ गया, पर तू जानती है ना तू क्या कर रही है? हाँ, तू अंदर आ रहा है? पर तू जल्दी आना, मैं गाड़ी घुमा के रखता हूँ। Complete bed rest, ठीक है रूबी? सब भूल जाओ, फैशन शो, नया कलेक्शन। सूप। ओह, थैंक यू। मैं टेस्ट करूँ क्या? सर्व। सॉरी, गरम गरम सूप है, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ओके? मैडी, कल कलेक्शन का लॉन्च है और तुम्हें इतना टेंशन है, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? मेरा दिमाग खराब नहीं है, ओके रूबी? इन यूजलेस लड़कियों के बीच में मैं अकेला तुम्हें छोड़ के जाऊंगा क्या? रूबी मॉम, हम लोग यूजलेस हैं। रूबी मॉम, कैसी हैं आप अभी? एक्सक्यूज मी, तुम तो दूर ही रहो, ओके? पता नहीं गॉड नोज कौन सा वायरस रूबी मॉम को लग गया, तुम तो बदसूरती का वायरस भी रूबी मॉम को लगा दोगी। मैडी प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन बज रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड हो गया, ओके? हेलो डार्लिंग। मैं तुम्हारा डार्लिंग नहीं हूँ, समझे तुम? चुपचाप रूबी मॉम को फोन दो। यस अरमान सर, लेकिन ठीक से पेश आना रूबी से, ओके? हेलो रूबी मॉम, आप कैसी हैं? ठीक हूँ सर, देखिए ना पूरा ऑफिस आया है यहाँ मेरी केयर करने के लिए। क्या? और वो जसी, जसी भी है वहाँ पे? हाँ है ना। और उसका बॉयफ्रेंड? जसी का बॉयफ्रेंड? हाँ, वो नीचे कार में। गाड़ी में वेट कर? कुछ नहीं रूबी मामा, आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके? शाम को लेने आ रहा है ना? तेरे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है नंदू।
कितनी मनोज घड़ी होगी जब मैं तुम्हें आखिरी बार गुड बाय बोलूंगा। मैंने तो तुम्हारे लिए पैसे भी अरेंज कर लिए थे, पर मैं दूंगा नहीं। जस्सी को बुरा लगेगा ना, और मेरे लिए जस्सी की दोस्ती तुम्हारे प्यार से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्सी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मालिका, मैं रूबी मॉम की हाँ, मैं घर पे आ रहा हूँ मालिका। हाँ, मैंने ड्रिंक की हुई मैंने ड्रिंक। मालिका, हमारी शादी हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ड्रिंक करने से रोकने लगो, समझे तुम? जस्सी है? हाँ। कोई केक पेस्ट्री नहीं है? अच्छा लगता है खाने से, सीरियसली? ओह माय गॉड, अरमान सर, ये चेक करने आया कि डॉक्टर का बिल कितना भारी पड़ेगा कंपनी पर। शट अप मैडी, रूबी मॉम की हालत तुम्हारी वजह से हुई है, समझे? तुम दोनों प्लीज छोड़ो ये सब। सर, आप क्या लेंगे? जी, विस्की मिलेगी? हाँ रूबी मॉम, विस्की। विस्की अरमान, ये कोई दीदी स्टार्स पार नहीं है, ओके? माय गॉड, कॉकरोच मारने का जहर जरूर है, बोलो तो वो पेश कर रहे हैं। मैडी, रूबी मॉम, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं सुबह आपको फोन करूंगी। बाय मैडी सर। गुड नाइट अरमान सर। रूबी मॉम, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? रूबी मॉम, ये अरमान सर को हो क्या गया है? मैं भी बहुत टाइम से देख रहा हूँ, यू नो, डे बाय डे अरमान पागल होता जा रहा है। जस्सी, जस्सी प्लीज, जस्सी देखो, वो तुम मेरे साथ आ रही हो, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी। मैं आपके साथ कहीं नहीं आ रही, आपने बहुत ड्रिंक कर रखी है अरमान। जस्सी, ए हेलो मिस्टर, आराम से। जस्सी, तुम इस जोकर के साथ जाओगी? मैंने कहा ना, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी अरमान सर। जस्सी, जस्सी ये खेल खेलने मेरे साथ बंद कर। तुम उससे क्यों नहीं कहते थे कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे? आई लव यू जस्सी। छोड़ दीजिए मुझे अरमान सर। आई लव यू जस्सी। कहा ना, छोड़ दीजिए अरमान सर, प्लीज। जस्सी, आई लव यू। मैंने कहा ना, अरमान, जस्सी को छोड़ दो। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मेरे और जस्सी के बीच का मामला है। जिस बात का मतलब जस्सी से है, उस बात का मतलब मुझसे भी है। अरमान सर, प्लीज। काफी जोश है ना तुझे,
क्यों ना आज फैसला हो जाए। नंदू तू जाके गाड़ी में बैठ। जैसी तो रुक, मैं इस आदमी को आज तेरी रिस्पेक्ट करना सिखाता हूँ। नंदू मैंने कहा ना तू जाके कार में बैठ। जैसी अरमान सुरी तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम मिस्टर नंदन शर्मा, क्योंकि तुम दूसरों के पैसे से गाड़ी खरीद कर उसमें घूमते फिरते रहे। दूसरे के पैसे से आज तक मिस्टर नंदन शर्मा कोहिनूर के पैसे मेरे। अरमान सुरी ये जो गाड़ी है ना कोहिनूर के प्रॉफिट से खरीदी है, जस्सी के और मेरे दिमाग से। तुमने क्या किया? ठीक है तुम्हें पैसे चाहिए ना, फाइन जितने पैसे लेने ले लो, लेकिन जस्सी को फिर क्या कह रहे हैं आप? अरमान सर आपने बहुत ड्रिंक की हुई है। जस्सी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये आदमी तुम्हारे पीछे सिर्फ कोहिनूर के पैसों को लेकर है, सिर्फ कोहिनूर के पैसे। नंदो जस्सी असली प्लॉट तो ये है। और अरमान तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे जस्सी को छोड़ दो तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा? वरना आप क्या करेंगे मिस्टर जनरल मैनेजर? मैं क्या करूंगा? नंदो बताता हूं। नंदो जस्सी एक मिनट अभी बता। क्या कर रहा है तू? नंदो प्लीज तू कार में बैठ जा। रुक जा। मैंने कहा ना नंदो। नंदो अरमान सर प्लीज, अरमान सर प्लीज चलो हट जा। ये नॉइस कैसा है? प्लीज कोई देखो। रिलैक्स एवरीबॉडी, मैं देखता हूँ रूबी। ओके रिलैक्स, देखता हूँ कौन क्या कर रहा है बाहर। मर्डर हो रहा है। ओ मैरी प्लीज ठीक से बताओ क्या हो रहा है? आप है ना जस्सी के बॉयफ्रेंड नंदू और अरमान झगड़ रहे हैं। अरे झगड़ा तुम जाओ, मैं नहीं रोको उन लोगों को। मैं नहीं जाऊंगा जंगली मर्दों के बीच, मैं नहीं जाऊंगा रोको। उठ तुझे लगी तो नहीं? इधर अगर इनकी फाइटिंग खत्म हो गई है ना तो बांध दो इन जंगली जल्लादों को। बहुत अच्छे अरमान, गुलमोहर के प्रेसिडेंट, शरीफों के मोहल्ले में आके दंगा मारपीट करते हो। हाँ तुम्हारा नाम अरमान सूरी नहीं अरमान छुरी होना चाहिए, जस्ट लाइक अदर थपोरीज। मिस्टर अरमान सूरी ये बात अभी खत्म नहीं हुई। नंदू चल यहां से। रूबी मॉम को सॉरी कह देना प्लीज। चल चल बैठ। चलो चलो अंदर चलो। थपोरीज नंबर वन थपोरीज।
हाँ मलिका, नहीं मैं नहीं आ सकता। तो कोई भी बहाना बना बोलो, मेरा मूड नहीं है। हाँ मैंने पी है, पर अब तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे पीस के पीनी पड़ेगी कि मैं ड्रिंक करूं या ना करूं। मलिका मेरा पीछा छोड़ दो, मैं कहता हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। Oh God, ये मैंने क्या किया? ये प्यार है या चलो मैं नंदन वर्मा से जलने लगा। माधुरी तो पागल ही हो गया, तमाशा बना के रख दिया बेवकूफ ने। तमाशा तो मैंने बना दिया नंदू, सारे ऑफिस स्टाफ के सामने अरमान सर को थप्पड़ मार के। जैसे तूने अच्छा किया, नहीं तो वो तो मुझे मार ही डालता। लेकिन मैं भी बाद में उसको जिंदा थोड़ा ना रहने देता। तो देखना अभी बात खत्म नहीं हुई, कल मैं जाऊंगा गुलमोहर के पास, वेट करूंगा उसकी, पूरा हिसाब चुका दूंगा। तू बस कोहिनूर के एक एक पैसे का हिसाब रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझा? काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। उस रंगे बाल का फोन है। हेलो हेलो नंदन, तुम आ रहे हो ना? हाँ मैं तो आ ही रहा था, पर रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझसे पंगा ले लिया। तुम तो जानती हो दुनिया वाले मुझसे कितना जलते हैं। ओह माय गॉड, तुम्हें भी चोट आई है? नहीं, शेर को कभी चोट नहीं लगती, और अगर चोट लग भी जाए तो वो चाट चाट के अपने घाव साफ कर लेता है। हाय मेरा ब्रेव शेर। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे हर जख्म को भर दूंगी। ठीक है मैं अभी आता हूँ। तू जानता है तू क्या कर रहा है? कल ऑफिस में सबको पता चल जाएगा कि अरमान सर ने तुझे पीटा है नंदू, फिर परी को क्या बोलेगा सोचा है तूने? और तूने नंदू को पीट दिया? वो मेरे और जस्सी के बीच में आ रहा था, मैं क्या करता? एक मिनट, आधी रात को तो जस्सी को मिलने क्यों गया था? मैं बोर्ड मीटिंग को लेकर थोड़ा परेशान था, थोड़ा नर्वस था, इसीलिए। तूने उस चूहे को कुत्ते की तरह मारा और तेरी परेशानी दूर होगी, है ना? नहीं यार, लेकिन जब मैं उसे मार रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे मारता जाऊं और तब तक मारूं जब तक उसके दांत और हड्डी बाहर ना गिर पड़े। तो फिर तू रुका क्यों? ओ, जस्सी ने मुझे रोक लिया। कैसे? पूरे ऑफिस को इस बात का पता है, अब तू भी सुन। जस्सी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। जस्सी ने तुझे थप्पड़ मारा? उंगलियों पर नचाती है वो, काफी नहीं है, अब थप्पड़ मारेगी तुझे वो? एंड यू गोना टेक इट? इससे अच्छा मैं कंपनी लूज कर दूं यार, व्हाट इज ऑल दिस यार? मैं वहां पे होता तो मैं बस राज। तू कैसी बात कर रहा है? अब जो हो गया वो हो गया, और जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ राज, और अब हम उसे बदल नहीं सकते। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे, कितने गुस्से में थे वो एकदम। ओ जस्सी रुक रुक, बता तो हुआ क्या? हाँ, ये अरमान सर और नंदू एक दूसरे का कचूमर क्यों बना रहे थे? हाँ? कुछ नहीं, बस एक गलतफहमी हो गई थी। वो मुझे लगता है शराब का कुछ असर था। अरमान सर बोर्ड मीटिंग को लेकर टेंस थे, तो वो चाहते थे कि मैं ऑफिस वापस जाकर सारा काम खत्म कर लूँ।
लेकिन नंदू ये नहीं चाहता था, उसने डिनर का प्लान बनाया था, इसीलिए थोड़ी सी बहस हो गई बस। भाई गॉड, तूने तो अरमान सर को थप्पड़ भी मार दिया, अब कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाएगी? हाँ, वो तो तुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। निकालना है तो निकाल दे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। किसी? हाय अरमान। मिस रंगे बार, कंग्रेचुलेशंस, आज पहली बार तुम ऑफिस वक्त पर आई हो। अरमान, वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे I'm sorry, कल रात जो उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं अरमान साहब, भूल जाइए। जैसे लेकिन मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी किया गलत किया। आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप नंदू से नफरत करते हैं, भरोसा नहीं आपको उस पर। कोई बात नहीं, नंदू आज ही कोहिनूर की बैलेंस शीट आपको दे देगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा उसमें। जैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कल रात तो आप कुछ और ही बोल रहे थे अरमान सर। जैसे वो सिर्फ चलन थी, प्लीज मुझे माफ करने की कोशिश करो, प्लीज जैसे। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है अरमान सर, आप बस ये सोचिए कि ऑफिस के बाकी लोगों से क्या कहेंगे आप। सब लोग ऑफिस में यही बात कर रहे हैं। मैंने सुबह ही स्टाफ से कहा है कि आप कल रात बोर्ड मीटिंग को लेकर काफी टेंस थे और आप चाहते थे कि मैं ऑफिस वापस आकर सारा काम खत्म कर लूं। नंदू को आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए आप दोनों के बीच में अनबन हो गई बस। तो तुम्हें अभी मेरी फिक्र है जैसे? जैसे जैसे मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, प्लीज जैसे, प्लीज। अरमान, कल जो हुआ वो मेरा कसूर नहीं था जैसी, वो कसूर था उस आदमी का जो मैं बन गया हूँ। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे ठुकराए जाने से टूट चुका है, बिखर चुका है, पर मेरे दिल में अभी उतना ही प्यार है तुम्हारे लिए जैसी, इसीलिए मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं काबू रख सकता अपने जज्बातों पर, अपनी जलन पर। मुझे मेरी जैसी वापस दे दो, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा होश, मुझे वापस दे दो जैसे, मेरी जिंदगी मुझे वापस दे दो। आई लव यू जैसे, आई लव यू, आई लव यू जैसे, आई लव यू, आई लव यू। कल रात आपने जो भी किया उसकी वजह जलन थी, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं अरमान साहब। मैं यकीन कर लूंगी अगर आप सबके सामने वो सब कुछ कहेंगे जो आपने इस चिट्ठी में लिखा।
बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा जैसे, लेकिन बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद। मुझे लगा ही था। जैसी जैसी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये सही वक्त नहीं है लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में बताने का। समझो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग खत्म हुई और नहीं दीजिए मानसा, जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते। 5 मिनट में आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। जैसी मैं मेरा यकीन करो प्लीज। इतना ठोक, इतना दिखावा सिर्फ एक बैलेंस शीट के लिए। ये क्या जैसी? चेक कर लीजिए अरमान सर, एक एक एंट्री बिल्कुल सही है। जैसी, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन याद है तुमने कहा था कि तुम बोर्ड रूम की मीटिंग के पहले नकली बैलेंस शीट बनाओगी, उनका क्या हुआ?